जुबिलेंट फूड्स, जरा समझते हैं नतीजों के बाद जो कुछ फाइन प्रिंट निकल कर आ रहा है, क्यों शेयर पर दबाव पड़ा, आज फिर थोड़ी रिकवरी भी आई, क्या बाजार के की टेकअवेज हैं इस काउंटर से? वरुण है हमारे साथ जुड़े हुए बताने के लिए। वरुण, क्या हुआ है जुबिलेंट फूड में? देखिए दीप, कल दरअसल इस कंपनी के जब नतीजे आए थे ना, तो सबके सब एक ही फिगर पे ध्यान रखते हैं और वो है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की, वो क्या निकल के आई है। और कंपनी ने कल वो दिया ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये हो गई। और एक्चुअली कंपनी ने सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देना अब डिसकंटिन्यू कर दिया है, कंपनी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा। और जो लाइक टू लाइक सेल्स देते थे ये, वही नंबर्स अब ये देंगे, इस कंपनी ने ये कहा। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कल एक्चुअली गिरावट जो आई थी वो इसी कारण से आई थी। दरअसल होता ये है कि ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो है वो लाइक टू लाइक सेल्स जो है उसी को देती है और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देती नहीं है। लेकिन जुबिलेंट फूडवर्क्स पिछले लगातार कई सालों से लगातार सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देते जा रहा था, और एनालिस्ट अगर इस कंपनी को रेट करते थे तो वो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के नंबर्स पे रेट करते थे। अब कल कंपनी ने कहा कि जो लाइक टू लाइक सेल्स ग्रोथ है और जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, इसके लिए हम इन नंबर्स को देंगे नहीं। अब देखिए, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ क्या होती है कि पिछले साल के पहले जो रेस्टोरेंट्स खोले गए उनमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कौन से देखने मिली, और लाइक फॉर लाइक सेल्स ग्रोथ जो होती है वो ये होता है कि पिछले साल के पहले जो रेस्टोरेंट्स खोले गए उनमें जो नॉन स्प्लिट रेस्टोरेंट्स है उनमें किस तरह की ग्रोथ देखने मिली। अब इन नॉन स्प्लिट और नॉर्मल रेस्टोरेंट्स के बीच में भी आपको फर्क समझना होगा। नॉर्मल रेस्टोरेंट्स नॉर्मल होते हैं, लेकिन जो नॉन स्प्लिट रेस्टोरेंट्स होते हैं बेसिकली ये होता है कि अगर किसी एक एरिया में इनका ऑलरेडी कोई रेस्टोरेंट है या फिर टेक अवे है और उसमें दूसरी डिलीवरी सर्विसेज अगर उसी एरिया में शुरू कर दी तो उसको स्प्लिट रेस्टोरेंट्स कहते हैं। और इसी के बीच में लेके कंफ्यूजन था, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो दोनों के बीच में ग्रोथ रेट में कोई ज्यादा फर्क नहीं था, क्योंकि टर्न अराउंड टाइम जो है दोनों का ऑलमोस्ट सेम रहता है। और ग्लोबली ये प्रैक्टिस है कि आप सिर्फ लाइक फॉर लाइक सेल्स जो है उसको ही दें। डोमिनोज भी यही करता है इंटरनेशनली, और इसके लिए इन्होंने भी ये देना शुरू किया। और इसके बाद दरअसल ब्रोकरेज हाउसेस ने इस कंपनी को डाउनग्रेड करना शुरू किया, क्योंकि सबके सब जो पैरामीटर लेके चलते थे वो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का ही था। हालांकि जाहिर सी बात है कि मैनेजमेंट अपने आप को शायद ज्यादा अच्छे से जानता है, इसके लिए आपने देखा कि रिकवरी हुई, नहीं तो पिटाई हो ही रही थी। ये मतलब पहले ही मुश्किल समझ में आता था, तो बहुत क्या है एग्जैक्ट, मतलब जो आया था वो भी भूल गया। अब वरुण, पहली चीज तो ये बताओ, आमतौर पर मैनेजमेंट कोई भी चीज ऐसी चीजों में बदलाव दो वजह से करता है, या तो उसको लगता है कि ये बदलाव करने से हमारे नंबर्स बहुत अच्छे दिखेंगे या फिर नंबर्स बड़े खराब दिख रहे हैं और ऐसा बदलाव करने से कम खराब दिखेंगे। इनमें से क्या सही है? बदलाव करने से कम खराब दिखेंगे ये, या फिर इनमें से एक्चुअली अनिल जी देखें ना, अगर इस कंपनी के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, मैं Q1 FY21 से अब तक के यानी कि Q2 FY22 के सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ और लाइक टू लाइक ग्रोथ जो है वो दोनों निकाल के लाया। ये लाइक टू लाइक तो पहले कभी नहीं करते थे, पहले SSG आता था। हम तो हमेशा SSG डिस्कस करते थे, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। हाँ, मोर इम्पोर्टेंट पैरामीटर जो है वो वही रहता था, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, जो कि इंडिया में जो इसको माना जाता है और जिसके ऊपर ही कहीं ना कहीं जो आपके ओवरऑल ये है वैल्यूएशन है वो निकाले जाते हैं। लेकिन ग्लोबली जो है वो लाइक टू लाइक सेल्स दी जाती है, और उसमें इनका बेसिकली ये था कि नॉन स्प्लिट और स्प्लिट के बीच में जो डिफरेंस था उसके वजह से ये लाइक टू लाइक देते थे अलग से, जिसमें आपके जो नॉन स्प्लिट रेस्टोरेंट्स है उनको भी लिया जाता है, कंसिडर किया जाता है, और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में सारे के सारे कंसिडर किया जाते हैं। तो उसके वजह से ये स्प्लिट और नॉन स्प्लिट में क्या फर्क? अनिल जी, बेसिकली ये होता है कि अगर एक किसी एग्जिस्टिंग एरिया में इनका कोई डोमिनोज है और उसमें कोई और भी इन्होंने खोल दिया डोमिनोज और उसकी डिलीवरी शुरू कर दी उन्होंने, तो रेवेन्यू जो है वो स्प्लिट हो जाती है। एक एरिया में अगर दो हो गए तो वो स्प्लिट रेस्टोरेंट हो गए। एक एरिया मतलब क्या? जैसे कि आप कांदिवली रहते हो, हाँ, आप कांदिवली ईस्ट, अब जैसे कि लोखंडवाला और ठाकुर विलेज, दोनों एक ही एरिया है ऑलमोस्ट। लेकिन अगर दो एरिया में या फिर ठाकुर विलेज में आपके दो डोमिनोज तो सारे स्प्लिट ही मिलेंगे ऐसे, तो हर दो चार गली छोड़ के तो एरिया भी अलग से स्पेसिफाई होता है ना। अब जैसे कि वही मैं कह रहा हूँ कि अगर ठाकुर कॉम्प्लेक्स और ठाकुर विलेज को दो एरिया गिन रहे, लेकिन ठाकुर विलेज में ही दो अगर आपके पास है तो वो स्प्लिट हो गए, इस तरह का है। कुछ आसान भाषा में कुछ समझा सकते हो आप? यही है, जितना आता था वो भी भूल गया मैं वरुण। अब नंबर्स तो अब अगली बार क्वार्टरली नंबर आएंगे तब कैसे करना है? लाइक टू लाइक सेल्स ही देखना है। अच्छा, इस बार कितनी लाइक टू लाइक सेल्स? करीब 7.5% के आसपास आई, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और साल दर साल। साढ़े सात के आसपास आई है, लेकिन जो एस्टिमेट्स निकाले जा रहे हैं, क्योंकि अब एनालिस्ट और एनालिस्ट है, सबने अपने अपने अनुमान निकाल लिए, और जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो लोग कह रहे हैं कि 4-6% के आसपास, क्योंकि अनुमान उसका 13% का था। अच्छा। तो वो भी एक दिक्कत है, और इसके लिए भी स्टॉक पिटा। इनको तो रिजल्ट है ना मार्केट आवर्स में देनी ही चाहिए। अब आप और मैं तो बोलता हूँ मार्केट आवर्स छोड़ो, हर फ्राइडे को शाम को दो,
ताकि आराम से सैटरडे संडे सारे जिस जिस के ये वरुण बता रहे हैं स्प्लिट वाला नॉन स्प्लिट वाला सेम स्टोर और लाइक टू लाइक ये सब करके आराम से मंडे सुबह आए तो सब पूरा अरे बहुत कंफ्यूजन है। चलिए तो ये है जुबिलेंट फूड में जो बदलाव हुए, इससे अगर आप और कंफ्यूज ना हो पाए तो वरुण का लिंक ही बेकार है। नहीं तो वरुण क्या करेंगे, वरुण वही कहेंगे जो मैनेजमेंट ने बताया। तो ये डिसीजन इनके थोड़ी है, वो तो डिसीजन बता रहे हैं जो हुआ है। नहीं सही बात है, तो आप तो वही बता रहे हैं जो हुआ है और जो हुआ है वो कंफ्यूजन बढ़ाने वाला है। तो ऐसे में क्लैरिटी लेने के लिए चलते हैं बंसल जी के पास।